तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, मैं अभी सुबह सुबह उठा हूँ और झाड़ू वगैरह जो मारना है मान लिया मैंने, और अभी इधर चावल भी चढ़ा दिया हूँ। चावल मतलब पानी गर्म करने के लिए दिया हूँ और उसके बाद चावल दूंगा इसमें। तो खैर, घर में रहने से यही काम रहता है गाइस। और गाइस, मैं सोच रहा हूँ कल जाऊँगा वेस्ट बंगाल, तो उसके लिए पैकिंग वगैरह कुछ करना है और कुछ कुछ कपड़ा वगैरह है जो धोना है मेरे को। तो गाइस, वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ा वगैरह डाल दिया हूँ और ये 42 मिनट बता रहा है। मैं इसको कमा भी सकता हूँ, लेकिन क्या कहीं थोड़ी जाना है, आराम से वो होने देते हैं। तो तब तक मैं उधर चावल, पानी गर्म हो चुका है, उसमें चावल देते हैं, नहीं तो तो गाइस, मैं इधर चावल चढ़ा दिया और उधर दाल भी बैठा दिया और दोनों अब एक साथ होते रहेगा। तब तक मैं उधर अपना जो मूवी है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर आराम से देखेंगे वहाँ पे एकदम टीवी में। तो गाइस, अभी ये बहुत ही बड़ा दिक्कत हो गया, मतलब मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन देख के, जो वॉशिंग मशीन का जो पानी नहीं निकलता है बाहर से, तो गाइस ये जो पाइप दिख रहा है ना आपको, गाइस ये पाइप से नीचे वहाँ से जो पानी जा रहा था ना, वो इधर जो पाइप दिख रहा है ना गाइस आपको, वहाँ का होल छोटा है। मैं बताता हूँ, ऊपर से देखो, ऊपर से नीचे तक पाइप गया है, इससे एक पाइप गया है नीचे तक और वो पाइप को बीच बीच में काट काट के हर एक फ्लोर में ऐसा किया हुआ है, बालकनी से अटैच किया हुआ है। तो नीचे जो लोग रहते हैं उन लोगों का क्या है, थोड़ा पाइप ऊपर है और नीचे जो होल है, जिस होल से पानी नीचे जाएगा, वो थोड़ा छोटा है। तो ये है मेन प्रॉब्लम। और यहाँ से हम लोग जब एकदम हाई प्रेशर में जब पानी चला जाता है नीचे, तो उन लोग का बालकनी पूरा पानी से भर जाता है और वो पानी घर में घुसता है। तो ये प्रॉब्लम हुआ था, तो तुरंत आए और बोले कि आप पानी थोड़ा बंद कीजिए, नीचे पानी जा रहा है। तो सब कुछ ठीक था, ऐसे डंडा उंडा डाल के भी देखा, कोई कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं था, शायद हाँ एकदम पूरा प्रेशर से पानी गया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो मैं रिक्स नहीं लिया, मैं इधर आके वॉशिंग मशीन को लेके बाथरूम में कनेक्ट कर लिया और वहाँ पे फिर जाके रख देंगे जब ये इसका काम हो जाए। तो ये इस चक्कर में मैं इधर चावल उबल चढ़ाया हूँ, भूल ही गया हूँ, अच्छा हुआ नहीं जला है। ये हो गया रेडी, दाल ये फट से कर लेते हैं गाइस। इस चक्कर में मेरा और एक घंटा लेट हो गया, मैं अगर वहाँ पे पानी उनी देते रहता टाइम पे तो शायद हो जाता अभी तक। तो खैर, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और चोर आएगा इस बार। और गाइस, ये जो प्रॉब्लम आया था ना, ये आके मेरा दिमाग खराब कर दिया था, मैं भूल गया था उधर दाल चढ़ाया हूँ, चावल चढ़ाया हूँ, और इससे मैं और पीछे हो गया, नहीं तो अभी तक सब कुछ रेडी हो जाता, खाना वाना सब खा भी लेते।
तो गाइस बाहर कुछ ज्यादा ही शोर शराबा हो रहा है, चलो जाके देख के आते हैं क्या हुआ है, क्या है।
गाइस मैं बाहर जाके देखा तो इतना कुछ हो रहा था, और अभी घर आते साथ अच्छा हुआ मैं टाइम पे घुस गया, नहीं तो बहुत ही खतरनाक हवा चल रहा था और बारिश अभी स्टार्ट हुआ। अभी मैं घर घुसा और बारिश स्टार्ट हुआ, तो गाइस बहुत ही खतरनाक वेदर है आज। मैं सोचा उधर से वॉक के लिए मैं निकल जाऊंगा, उधर देखूंगा और सीधा उधर वॉक के लिए निकल जाऊंगा, ऐसा मैं सोचा था। चलने के लिए मैं सोचा फील्ड चले जाऊंगा, तो एक शादी हो रहा था किसी का और साथ में ये कुछ हो रहा था जो लोग पूरा गैंग मिला। तो खैर मैं वापस घर आ गया और अभी घर आके साथ देखा तो विंडो खुला हुआ था, थोड़ा धूल वगैरह थोड़ा घुस गया और लाइन भी कट चुका है गाइस। ठीक है, मैं ये एक एमरजेंसी लाइट लेके बात कर रहा हूँ, और गाइस अभी लाइन पता नहीं कब आएगा, तो गाइस ये ब्लॉग को भी ना यहीं पे एंड करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अभी लाइन का कोई भरोसा नहीं, कब आएगा कब नहीं आएगा कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, और मेरा फोन में चार्ज रहता नहीं है। तो गाइस ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। ठीक है, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।